हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडो वेस्ट किचन। आज हम इंडो वेस्ट किचन में बनाने जा रहे हैं गणेश जी का प्रिय भोग मोदक। तो इसके लिए हम कुछ आज अलग तरह का मोदक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन। ये 200 ग्राम बेसन है। बेसन आप बारीक वाला लें, मोटे वाला ना लें। और ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये काजू हैं, 20-25 काजू हैं, 20-25 बादाम हैं, और सूखा नारियल है, और थोड़ी सी खरबूजे की गिरी है, 3-4 चम्मच। अब काजू को हम बारीक काट लेंगे, बादाम को भी बारीक काट लेंगे, और हम नारियल को कद्दूकस कर लेंगे, और ये जो गिरी है इनको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब सबसे पहले हम बेसन को एक कढ़ाई में डालकर भूनेंगे। कढ़ाई में हम बेसन डाल देंगे। इसमें हम करीब 100 से 125 ग्राम देसी घी डालेंगे। और फिर इसको हम भूनेंगे, खुशबू आने तक भूनेंगे इसको हम। धीमी आंच पर हमें इसे धीरे धीरे भूनना है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज आ जाए, हो जाएगा, खुशबू भी बड़ी अच्छी आने लगेगी। ये कुछ इस तरह का हो रहा है भूनते भूनते। ज्यादा घी भी नहीं डालना है, नहीं तो आपके मोदक बनेंगे नहीं। इसको भूनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। गणेश चतुर्थी पर लोग मावे के, मिल्क मेड के, मिल्क पाउडर के, चावल के, बहुत तरह के मोदक बनते हैं। मैंने भी आपसे मिल्क पाउडर के और मावे के मोदक शेयर कर रखे हैं, आप मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं तभी तो नई नई वीडियो आपके लिए लाऊंगी। इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन हमारा अब भुनने वाला है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। बेसन हमारा भुन चुका है, इसका कलर इस तरह का हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब बेसन हमारा ठंडा हो चुका है, इसको बिल्कुल ठंडा करना है। अब हम इसमें सबसे पहले ये बूरा मिलाएंगे। ये मैंने 100 ग्राम ली है। इसको हाथ से ही मिला लें तो बेहतर है। अब मैंने ये काजू और बादाम को काट लिया है। अब हम इसमें से आधे आधे डालेंगे। ये खरबूजे की गिरी भी हम आधी डालेंगे, और ये नारियल को भी, सूखे नारियल को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। अच्छे से मिला लें। और ये इलायची पाउडर है, इसको भी डाल लें, 5-6 इलायची का पाउडर है ये। अब मोदक बनाने का हम सांचा लेंगे। सांचे बहुत तरह के होते हैं, आपके पास किसी और तरह का हो सकता है, मेरे पास ये ऐसे खुलने वाला है। इसमें अच्छे से भरेंगे, इसको अच्छे से दबा दबा कर चारों तरफ से। इसको फिर केयरफुली निकाल लें। ये देखिए, देखिए बन गया ना अच्छे से। इसको अच्छे से दबाना जरूर है, क्योंकि तभी शेप अच्छे से आएगी। ये देखिए, अब ये दो तो मैंने ऐसे बता दिए हैं आपको। अब ये जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे, इन सबको आप मिला लीजिए, सारी चीजें एक साथ, चारों चीजें।
और इसमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें रखिए, और फिर इसके ऊपर ये वाला बेसन का मिक्सचर रखिए, फिर दूसरे वाले में ये वाला ड्राई फ्रूट्स रखिए, और फिर ये वाला बेसन मिक्सचर रखिए। अब आप इसको बंद करिए, और फिर इसको दबा दीजिए। अगर और कम लग रहा है तो और बेसन भर दीजिए, लेकिन इसको अच्छे से बंद जरूर करना है, तभी शेप अच्छे से आएगी। ये ऐसे ड्राई फ्रूट्स वाला भी बन जाएगा। तो ऐसे ही करके आप सारे बना लें जो भी आपको पसंद आए। तो ये देखिए, आप ऐसे करके ही सारे बना लें। अब मैं इसी में ही आपको तीसरे तरीके के मोदक बनाना बता रही हूं। आप इसको बंद कर लीजिए सांचे को, और इसको आधा भरिए। फिर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भर दीजिए, फिर इसमें वापस बेसन का मिक्सचर भरिए, ये देखिए, ये भी इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आप मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये सारे मोदक बन चुके हैं। आप इनके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं। तो आप इनको गणेश चतुर्थी पर बनाइए और गणेश भगवान को खुश करिए।